बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर से हम अपनी वेबसाइट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। इस लास्ट टाइम हमने जो है वो एक मैंने ये बताया था कि किस तरीके से हम जैम सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरा ये कि हम किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लास्ट टाइम ये काम कर चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हमारा काम क्या होगा कि हम आज स्टार्टर टेम्पलेट, जो हमारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स होंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। सेकेंडली हम क्या करेंगे, हम इसके बाद दूसरी चीज़ों को यूज़ करेंगे कि हम थीम किस तरीके से इसमें एम्बेड कर सकते हैं। तो मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आके लिखता हूँ लोकल होस्ट कॉलन और मेरी पोर्ट का नाम जो कि है 80। ठीक है, यहाँ से मैंने आके इस पर 80 सेलेक्ट करा, इसको मैंने क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं और डेटाबेस स्टार्ट होना लाजमी है। आइए इसको यहाँ से लाके मैंने 80 सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कर दिया जगह पे। ठीक है, अच्छा ये एक फोल्डर के अंदर रखा हुआ था तो मैं जाके उसी डायरेक्टरी को ओपन कर लेता हूँ। तो दिस पीसी सी, यहाँ से जैम, देन यहाँ से एस टी डॉक्स और यहाँ से वो वर्डप्रेस का फोल्डर जो है मुझे वो एक्सेस करना होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले नाम को ही कॉपी कर लेता हूँ इस जगह से। मैं इसको रीनेम करता हूँ ताकि मेरे पास ये वाला नाम आ जाए इस जगह पर, तो मैं डायरेक्टली उसी को ही यूज़ कर लूँ। इसके आगे जाके मैं वर्डप्रेस लगा लिख दूँगा स्लैश, मैंने यहाँ लिखा वर्डप्रेस। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे वो जो मैंने लास्ट टाइम सेटअप किया था वो यहाँ पर आ रहा है। अब हम अभी क्योंकि कोई थीम नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल, मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं इस जगह पे आके लिखूँगा wp-admin जो कि डैशबोर्ड है। ठीक है, मेरा ये एडमिन पैनल आ जाए। नाम मैंने रखा था एडमिन, पासवर्ड मेरा था एडमिन। मैंने इसको ओपन किया, मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन होकर आ गया। अब क्या करना है, मैं यहाँ से आता हूँ इस जगह पर और सबसे पहले आज मैं कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या कि हमारी वर्डप्रेस की जब भी कोई थीम होती है, वर्डप्रेस का कोई भी वेबसाइट बनती है, तो मेजर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है वर्डप्रेस का प्लगइन, जो उस रिक्वायर्ड जो प्लगइन होते हैं। सेकंड क्या होता है कि हमें उसकी थीम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैं इस जगह पर आता हूँ, अपेयरेंस के अंदर आकर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ प्लगइन्स में आऊँगा, यहाँ से करूँगा ऐड न्यू और यहाँ पे आके मैं सर्च करूँगा इस जगह पे स्टार्टर टेम्पलेट। इसको मैंने सेलेक्ट किया ऐसे, तो मेरे पास यहाँ पर एक स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से टेम्पलेट आ जाएगा, लाइक प्लगइन आ जाएगा, जिसके अंदर मुझे बाय डिफॉल्ट एक पेज बिल्डर मिल जाएगा जो कि कौन सा है, जो कि एलिमेंटोर है। ठीक है, और इसके अंदर मुझे एक एक्स्ट्रा थीम की तमाम लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, हेलो की, और इसके अलावा फर्दर और भी मैं बीच के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा देन हम चले जाएंगे थीम्स के ऊपर, इसको एक्टिवेट करेंगे एंड देन हम इसके फर्दर थीम्स पे काम करेंगे। मैंने इसको यहाँ पे एक्टिवेट किया। ठीक है, ये एक्टिवेट हो चुका है। अब चलते हैं हम इसके दोबारा से यहाँ पे चलकर हम पहले इसके अंदर एक थीम को इंस्टॉल कर देंगे। थीम मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ और मैं थीम यूज़ करता हूँ एस्ट्रा। ठीक है, यहाँ मैंने सर्च किया एस्ट्रा। अब इस जगह पे ये देखें, ये थीम आ गई, यहाँ से मैंने इसको इंस्टॉल किया। एस्ट्रा की एक थीम है जिसके अंदर आपको प्री डिफाइंड और बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी, तो आप उसके अंदर से कोई और थीम्स भी यूज़ कर सकते होंगे। पेड वर्जन होगा तो आप इसके अंदर पेड वर्जन को भी यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उस हिसाब से अपने उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ से इसको आपने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, अभी आप डायरेक्टली नीचे आ जाइए और यहाँ पे देखिए स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से आपको एक चीज़ नजर आएगी, इस पर क्लिक कर दिया। मैंने क्लिक करा यहाँ पर, अब मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पर स्क्रॉल किया मैंने इसको नीचे और मैं नीचे आता हूँ और यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पर क्लिक कर दूँगा। ये आ रहा है मेरे पास क्या, इसका पेज बिल्डर। पेज बिल्डर पर मैंने क्या किया, यहाँ से एलिमेंटोर पर क्लिक कर दूँगा। बाकी और भी हैं, आप इसको बिहेवियर बिल्डर को भी कर सकते हैं, ब्लॉक एडिटर को भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर कर रहा हूँ एलिमेंटोर को। आप इसको करेंगे ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर प्री डिफाइंड बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप इसके अंदर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से क्या किया, आप ये देखिए ये प्रीमियम थीम्स हैं, इस तरीके से ये फ्री थीम्स हैं, तो आप अलग अलग करके यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ और एक फ्री थीम ले लेता हूँ, जैसे कि हम यहाँ से फ्री थीम के अंदर ना कुछ ऐसे फीचर्स को यूज़ करेंगे जो कि प्रीमियम बना देगा उसको। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ से इस जगह पे कोई फ्री थीम लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ से कोई थीम हमें जो पसंद आए
हम ऊपर जाके फिल्टर कर लेते हैं, वापस आते हैं ऊपर टॉप पर, और यहाँ से आके मैं इस जगह पे ई कॉमर्स में ज्वेलरी कर लेता हूँ या हम क्लोथिंग कर लेते हैं। चेक करते हैं कि क्लोथिंग के अंदर हमें कोई अगर अच्छी मिल जाए तो हम उसी को यूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने कहा ये वाला आ रहा है, हम इस पार्टी वेयर को सेलेक्ट कर लेंगे, ये फ्री भी है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आज हम पहले क्या करेंगे, इस थीम को रेडी करेंगे। अब मैंने कहा मुझे यहाँ से ना इसका लोगो सेट करना है इस जगह पे, हम बाद में भी कर सकते होंगे। ठीक, यहाँ से आपके पास इस जगह पे लोगों की विथ, साइज, देन और चीज़ें भी आ रही हैं। लेट सपोज कि मैंने यहाँ से कोई भी एक थीम का वो मैंने कोई लोगो लिया जो मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं उस थीम को यहाँ पर बआसानी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कोई भी एक कैनवा से कोई भी एक लोगो ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैनवा लोगो और वेबसाइट इस तरह हम सर्च करते हैं, कोई भी एक फ्री हम बेसिक सा ले लेते हैं ताकि एडजस्ट करना हमारे लिए आसान हो जाए, मैं इसमें सिखा सकूँ कि किस तरीके से हम एक लोगो को बना सकते हो। ठीक है, देखिए इसे यहाँ पे काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, मैंने लेट सपोज कि ये वाला ले लिया, इसको मैंने सेलेक्ट करा यहाँ से, और बस इसको मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, जब मेरे पास ये हो जाएगा मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड किया और फिर हम इसकी बस डायरेक्टली इसको अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर देंगे। जैसे ये प्रीमियम कंटेंट है, सॉरी, तो हम कोई भी इसका फ्री वर्जन ले लेते हैं। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पर लोगो डाउनलोड कर लिया है, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और फिर हम इसको सेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने वो फाइल प्लेस कर दी है। और इसको मैं यहाँ से एडजस्ट करवाने के बाद मैंने यहाँ सेलेक्ट करा, तो देखिए इस जगह पे ये वाली फाइल आ जाएगी। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से, अब जो भी आपने लोगो लगाना हो हम इसको एडजस्ट कर सकते होंगे, इसको ट्रांसपेरेंट करके लगा लें या जो भी। अच्छा, अभी फ़िलहाल अगर आपने नहीं भी किया तो आप इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ बढ़ जाएगा, इसका साइज श्रिंक हो जाएगा, अपने हिसाब से आप इसको भी सेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया इसको, अब मैं चाहता हूँ इसी कलर थीम को मैं सेट कर लूँ, तो हम वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने कहा कि जैसे ये वाली थीम आ रही है पूरी, मैं चाहता हूँ कि इसका जो पैक एक जो फॉन्ट कलर है पूरी थीम का वो एक रहे, तो हम यहाँ सेलेक्ट, सपोज के मैंने ये सेलेक्ट करा, तो देखिए जो भी मैं सेलेक्ट करता हूँ मुझे वो उसी थीम को पूरा बनाकर उसी हिसाब से वो रखेगा। ठीक है, तो मैं जो भी कलर इसमें एडजस्ट करवाता हूँ, देखिए जहाँ जहाँ पे ये कलर्स थे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए फुटर का कलर वही हो गया। तो जो भी आप कलर सेट करते हैं वो वही आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करवा कर यूज़ करवा पा रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको दे दिया, अब मैं जो भी कलर इसको दूंगा एडजस्ट करूंगा वो सारा का सारा वही कलर को यूज़ करके चलाता रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हमने एक थीम का जो एक बेसिक सा फॉन्ट था और ये सब चीज़ें सेट कर ली, फिर आप यहाँ से आइए नेक्स्ट कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे इसका क्या किया, आप यहाँ से फॉन्ट फैमिली को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं कोई भी फॉन्ट फैमिली इसको यहाँ पे दे सकता हूँ। फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, इसको नीचे आते हैं और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर अभी अपनी वेबसाइट का कोई भी नाम सेट कर लेता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया क्लिक एंड, ऐसे मैंने नाम दे दिया। ठीक है, ऐसे मैंने कोई अपने हिसाब से नाम दे दिया, क्लिक एंड बाय, आप यहाँ पे इसको दे दें, एक ईमेल दे दें, तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल दे दी, लर्निंग इनोवेशन रेट gmail.com। मैंने यहाँ से दे दिया आई एम आ इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट, आप कुछ भी दे दें अपने हिसाब से। फॉर माई सेल्फ मैंने यहाँ पे दे दिया, या कंपनी या माई क्लाइंट, आप जो भी अपने हिसाब से देख रहे हो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आई एग्री पे क्लिक कर दें, ठीक है, और ना भी करें तो कोई मसला नहीं, और यहाँ से आप सबमिट कर दें। हमें थोड़ा सा टाइम देगा और फिर आपके पास ये पूरी वेबसाइट को इस जगह पे थीम को बिल्ड करके दे देगा, तो वेट करते हैं, तो उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर देना है, देखिए यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ से मतलब ये बिल्ड हो चुकी है। व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करें, अब ये उस जगह पर ले जाएगा आपकी जो मेन थीम है, ये पूरी यहाँ पर देखें इस जगह पर, ये पूरी थीम इस जगह पर कस्टमाइज होकर आ चुकी है। ठीक है, तो ये रेडी हो गई, अभी हम इसके अंदर पूरा चेंजेस करेंगे, पूरी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे और इसकी फर्दर सारे चीज़ों को हम चेक करेंगे किस तरीके से काम हो रही है। यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी एडजस्ट किया था ये, इसके अलावा जो मैंने फॉन्ट साइज़ और फर्दर जो चीज़ें की थी वो सारी की सारी यहाँ पर बनकर आ चुकी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही था, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।